हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे हम एक फिर से न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और आपका नया नोटिफिकेशन है, सेशन 23-24 रहेगा, 27 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी और 200+ सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी हम यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन ही देखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर आपका कोटा विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। बाकी अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 14/6/2023 से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट इसके यहाँ पे 14/7/2023 है। इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे पहले से मेंशन की गई है, तो 5/8/2023 को आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे टेंटिव डेट्स जो इंटरव्यू के, वो यहाँ पे 5/9/2023 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर से ईमेल आईडी दी गई, इन पर आप कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे आएंगे, अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स की, तो ये यहाँ पे सेशन 23-24 के लिए जो सीट्स के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे टोटल सीट्स की बात करें तो 227 सीट हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको 27 देखने को मिलेंगे। तो आप इन्हें पॉज करके देख लीजिए और जिस भी आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट्स आपने कम्प्लीट किया है उस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीट्स भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे, तो अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ये यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लेना है। तो इस पर ऑलरेडी मैंने ओपन किया है, तो आप ये देखेंगे। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल का जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देनी है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे ये आपको 3,000 रुपये यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। बाकी अगर आप आएंगे यहाँ पे SC ST EWS OBC के नॉन कैंडिडेट से, तो आपको यहाँ पे 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों आप यहाँ पे ये अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं, इस पर अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो वही है कि यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप आएंगे SC ST OBC के नॉन क्रिमिलियर, या फिर आप यहाँ पे डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो आपके पास अगर 50% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे EWS को भी छूट मिल जाएगी 5%। बाकी यहाँ पे MPhil के बारे में दिया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, अगर हम बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें सिलेबस वही है आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट रिसर्चिंग रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई होगी। सिलेबस जो है इंट्रेंस टेस्ट का, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे ये दोस्तों बताया गया कि यहाँ पे अगर आप UGC नेट JRF UGC CSIR नेट JRF गेट सीट, या फिर आप यहाँ पे सेट, ये कोई अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं तब भी आपको यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी आपको अपेयर होना पड़ेगा और आपको भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है, जिसमें आपके 50% लाने रहेंगे सभी कैंडिडेट्स को, और 5% के रिलैक्सेशन के साथ SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स एंड यहाँ पे EWS, इन कैंडिडेट्स को अगर आप एग्ज़ाम में 45% मार्क्स ले आएंगे, तो आपको एग्ज़ाम देने में जो एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी वेटेज की, तो यहाँ पे 70 और 30 का आपको वेटेज देखने को मिलेगा, जिसमें 70% आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का और 30% इंटरव्यू का दिया गया है। जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस इंट्रेंस एग्ज़ाम में करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने के। इंटरव्यू आप देंगे, देन यहाँ पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए इंटरव्यू से संबंधित, तो यहाँ पर आप जो भी रिसर्च आपका प्रपोजल उसे बना लीजिएगा और वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना रहेगा। बाकी आपका यहाँ पर देन सुपरवाइज़र अलॉट होंगे, कोर्स वर्क स्टार्ट होगा और आप यहां से अपनी PhD कर सकते हैं। तो ये यहां पे आपका नोटिफिकेशन हुआ है, और यहां पे कैसे अप्लाई करना था जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा। राजस्थान में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित जो पॉइंट्स है लगभग वो सारे कम्प्लीट हो जाते हैं। तो हम अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।